हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। सो यस गाइस, गणपति जी आ चुके हैं, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी, गणेश उत्सव टू एवरीवन। तो मैं भी हो गई हूँ रेडी, जाऊंगी मम्मी की सोसाइटी में जो गणपति जी रहते हैं हमारे, उनके दर्शन करूंगी। एंड अब से 5 दिन तक हल्ला गुल्ला मस्ती एंड एक बहुत अच्छा भक्ति का माहौल चलता ही रहेगा, तो आपको ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। तो यस, यही कोई सीजन रहता है जो फेस्टिवल सीजन आता है, गणेश जी आने के बाद से जो फेस्टिवल सीजन चालू हो जाता है हमारी कंट्री में, तो टाइम आता है रेडी होने का, इंडियन कपड़े पहनने का। तो बस एक्साइटेड रहता है हर एक लेडी स्पेशली कि चलो अब अच्छे अच्छे नवे नवे कपड़े पहनने का मौका मिलेगा, रेडी होने का मौका मिलेगा एंड शॉपिंग करने का भी मौका मिलेगा। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ गाइज, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। गणेश जी की स्थापना तो हो चुकी होगी क्योंकि 12:30 मुझे घर पे ही हो चुके हैं एंड मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मेरे न्यू घर के किचन से। तो यस गाइज, वही मैं बोल रही हूँ, मैं लेट बहुत हो चुकी हूँ, 12:30 मुझे यहाँ ही हो चुके हैं, मुझे 1 घंटा पहुँचने में भी लग जाए। वैसे प्लान तो किया था कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँगी, बट घर के काम खत्म होते ही नहीं है। कपड़े सूखने डाले, बर्तन धोए मैंने, ये देखो गाइस, बर्तन धोए। एंड उसके अलावा मैंने सोचा शाम को तो मैं घर पर रहूँगी नहीं, तो अपने अपने मंदिर में जो मुझे धूप जलाना था, पूजा करनी थी, वो मैं कर चुकी हूँ, सो दैट मेरी आज की पूजा मिस ना हो। और आज का दिन तो बहुत अच्छा भी है, तो बिल्कुल मिस ना हो। तो जो भी है मैंने वो पूजा कर लिया। उसके बाद में आप लोगों को पता है, अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो तो यू गाइस नो दैट वी हैव पेट्स इन अवर हाउस। तो पेट्स क्या है एंड मैं आपके साथ में जल्दी दिखाऊंगी उन्हें, बहुत क्यूट पेट्स है मेरे, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी आने वाले ब्लॉग्स के साथ। तो उनका ध्यान देना, उनका खाना पीना, उनकी क्लीनिंग, वो सब करने में, एंड उसके बाद मेरे प्लांट्स को पानी वानी दिया। तो ये सब काम में मैं हो चुकी हूँ काफी ज्यादा लेट। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, निकलती हूँ एंड आपको तुरंत दर्शन करवाती हूँ गणेश जी के। मुझे पता है मेरा हाथ शिवर कर रहा है, बट सॉरी गाइस, थोड़ा प्रैक्टिस छूट गया है कैमरा होल्ड करने का, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलो चलते हैं, दर्शन करते हैं गणेश जी के। एंड आपका फेस्टिवल कैसा चल रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय, सी यू। मम्मी के पास, बट यू नो वर्ड, जैसे कि मैंने आते ही देखा कि गणपति जी का स्थापना अभी तक नहीं हुई है। आज आपको पता है ऑल पंडित्स आर ऑन डिमांड, तो पंडित जी लेट हो चुके हैं, अभी भी बोल रहे आधा घंटा और, मतलब दोपहर के 2:30 बजे जाके स्थापना होगी इस साल। तो यस, क्या बोलूँ, अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, बट नहीं, मैं लेट नहीं हुई हूँ, मैं बिफोर टाइम हो गई हूँ लकीली। तो यस, पूजा आपके साथ शेयर कर सकती हूँ अभी एंड खुद भी पूजा का पार्ट बन सकती हूँ। तो अभी तो वक्त है पूजा स्टार्ट होने में, तो जब होगी पंडित जी आ जाएंगे तो आपके साथ मैं शेयर कर लूँगी। एंड मम्मा, जैसे ही कैमरा आता है तो मम्मा ऐसे हो जाती है, हेलो, मुझे लगा मैं लेट हो गई हूँ। पंडित का है आ रहा है बोल रहे हैं पंडित जी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, मैं फंस गया हूँ।
ओके गाइस, आरती हो चुकी है, स्थापना वगैरह सब हो चुकी है जैसे कि आपने देखा, बट गर्मी इतनी ज्यादा है कि मंडप में आधा पौना घंटा, ऑलमोस्ट एक घंटा लग गया, पसीना पसीना हो चुके हैं। तो बस करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, एंड लंच टाइम भी हो गया आज। सब कुछ बहुत लेट हुआ है जैसे कि आपको पता ही है। तो बस देखते हैं मम्मी ने लंच में क्या बनाया है। लंच करूंगी और मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा टाइम करूंगी रेस्ट लंच करने के बाद। तो आपको मिलती हूँ शाम की आरती के टाइम पे, एंड लंगर का भी प्लान सब चालू है, जो भी प्लान होगा वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिलती हूँ शाम को। ओके गाइस, तो गुड इवनिंग। क्या 9 बज गए हैं, 9 बजे के आरती का टाइम था, बट उसके पहले आपने क्लिप देखा होगा, दिया में तेल कम हो गया था, मैंने वो डाला, शाम की अगरबत्ती भी कर दी, एंड मम्मी का डिनर का प्रिपरेशन चलो। मैं क्या रखा है वैसे, पुलाव बन रहा है, वेज पुलाव। तो यस गाइस, जैसे कि मैंने बोला था, मैं सो गई थी एंड योगेश भी घर पे आ गए और मम्मा ये रही। तो हमने जो भी प्लानिंग करना था हमने कर लिया है। जैसे कि आपको पता है हर साल हम रोटी करते हैं, तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप अदरक लहसुन वगैरह क्यों डालते हो या प्याज वगैरह, तो वो प्रसाद नहीं होता है, वो हमारी इच्छा से हम सबको डिनर करवाते हैं, क्योंकि एक माहौल रहता है, सब जमा रहते हैं, तो इससे बेस्ट ओकेजन कोई नहीं होता। तो हम बस एक अपनी श्रद्धा अपनी मर्जी से डिनर करवाते हैं, तो उसमें प्याज लहसुन वगैरह नॉर्मल रहता है। तो हमने इस बार क्या मेन्यू डिसाइड किया है, मैंने सोचा है माँ राजमा की दाल, मतलब दाल मखनी, मिक्स वेजिटेबल, एंड फुलके और चावल, रायता चावल, दिल खुश तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो यस, आप लोग समझ ही गए होंगे दिल खुश मतलब क्या। जिन जिनको पता है दिल खुश क्या है वो नीचे कमेंट करना। तो योगेश भी आ चुके हैं, तो अभी ये सामान कुछ ब्लिंकिट वगैरह से हमको मंगाना, जेप्टो वगैरह से, तो जो हमने प्लान किया उसकी पूरी तैयारी चालू है। तो वही जब मैं बिजी थी तो मैं ब्लॉग ज़्यादा नहीं कर पाई। तो बस शाम की आरती के लिए हो गए हम रेडी, वेट कर सोसाइटी वाले सब आ जाए तो हम आरती करते हैं। ये अभी से तालियां मार रहे हैं। शाम की आरती के लिए सब नीचे आ जाए। देवा वाट मी पाए, देवी होगी चले माझे मा।